इस वीडियो में कॉम्बिनेशन के ही क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं हम. इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम फाइव बॉयज एंड फोर गर्ल्स. डायरेक्टली इस क्वेश्चन में उसने यहां सिलेक्टेड वर्ड दे ही दिया है. अब अगर सिलेक्टेड वर्ड दे दिया है तो 90% तो यह क्वेश्चन सिलेक्शन का ही होगा. फिर भी एक बार और हम यहां पर चेक कर लेंगे कि यह परम्यूटेशन से होगा या कॉम्बिनेशन से होगा. ये फाइव बॉयज हैं और ये फोर गर्ल्स हैं. इन फाइव बॉयज में से, टोटल फाइव बॉयज में से मुझे थ्री बॉयज सिलेक्ट करना है. इन फाइव बॉयज में से मुझे थ्री बॉयज सिलेक्ट करना है. तो मान लीजिए कि ये ए बी सी डी और ई ये फाइव बॉयज हैं और मान लीजिए कि यहां पर फोर गर्ल्स हैं पी क्यू आर एंड एस. ये फोर गर्ल्स हैं. तो वैसे तो ये जो सिलेक्टेड वर्ड है इसी से हमें समझ में आता है कि ये क्वेश्चन सिलेक्शन का है, बट फिर भी कंफर्म कर रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. सो उस केस में हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये ए बी सी डी ई ये जो फाइव बॉयज हैं और पी क्यू आर एस जो फोर गर्ल्स हैं, इनमें से मुझे थ्री बॉयज सिलेक्ट करना है. तो मान लीजिए कि मैं बी डी और ई ये तीनों बॉयज सिलेक्ट करता हूं और यहां फोर गर्ल्स में से मैं पी आर और एस गर्ल सिलेक्ट करता हूं. तो ये जब यहां पर मैं, मुझे पूरी टीम के लिए, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, तो ये जो सिक्स मेंबर्स की जो ये पूरी टीम है जो यहां पर बनी है, सिक्स मेंबर्स की टीम, इस सिक्स मेंबर्स की टीम में क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि आप यहां पर पहले बी को सिलेक्ट करते हो या पहले डी को सिलेक्ट करते हो या पहले ई को सिलेक्ट करते हो. ठीक है, इस बात से यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप फाइव बॉयज में से आपने पहले बी को ले लिया, आप उसकी बजाय पहले अगर डी को भी सिलेक्ट करते और बाद में बी को सिलेक्ट करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना. क्यों? क्योंकि फाइव बॉयज में से टीम के अंदर ये बी डी और ई जो मेंबर्स गए हैं बॉयज, इनका ऑर्डर सिलेक्शन का कुछ भी हो लेकिन उस ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे के पूरे सिक्स मेंबर्स ही टीम में हैं. चाहे आप पहले आर को सिलेक्ट करते फिर पी को सिलेक्ट करते फिर एस को सिलेक्ट करते, या यहां पर आप पहले ई बॉय को सिलेक्ट कर लेते फिर बी बॉय को सिलेक्ट कर लेते और फिर डी को सिलेक्ट कर लेते, तब भी पूरी टीम में जो सिक्स मेंबर्स थे वो सिक्स मेंबर्स ही रहते, उसके ऑर्डर से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. और क्योंकि ऑर्डर चेंज होने से रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है. इसलिए यहां पर देखिए फाइव बॉयज में से थ्री बॉयज सिलेक्ट करना है तो वो हो जाएगा फाइव सी थ्री, फाइव बॉयज उसमें से थ्री बॉयज का सिलेक्शन करना है और फोर गर्ल्स और उसमें से थ्री गर्ल्स का सिलेक्शन करना है. और जब ये कॉम्बिनेशन होते हैं और जब इस टाइप से दो कंडीशन दी हुई होती है, मीन्स दो कॉम्बिनेशन अगर हम लगा रहे होते हैं, तो अगर बीच में क्वेश्चन में एंड वर्ड यूज किया है तो एंड वर्ड के साथ आप दोनों कॉम्बिनेशंस के बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज करोगे, और अगर और वर्ड दिया है तो और वर्ड के साथ आप प्लस साइन का यूज करोगे. मीन्स इन दिस क्वेश्चन, इफ यू विल रीड द क्वेश्चन अगेन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ थ्री बॉयज एंड थ्री गर्ल्स, ये जो वर्ड है ना एंड, इसकी वजह से हम यहां बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे. अदरवाइज अगर ऐसा होता, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ थ्री बॉयज और थ्री गर्ल्स, अगर ऐसा होता तो हम यहां इन दोनों कॉम्बिनेशंस के बीच प्लस का साइन लगाते, और एंड वर्ड है इसलिए फाइव सी थ्री इंटू फोर सी थ्री, दैट विल बी अवर आंसर.
सो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो फॉर्मूला है एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 4 माइनस 3। वेन यू विल सॉल्व इट सो यू विल गेट फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, सॉरी इसे हम फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहां पर 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 बाहर और ये फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है। जब आप यहां फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल कर दोगे, यहां भी फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल कर दोगे और यहां 2 से 2 टू जा 4 सो 5 टू जा 10 इंटू 4 इट मीन्स 40, 40 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड। देखिए हमें 9 बॉल्स को सिलेक्ट करना है और उसने बॉल्स क्या क्या देकर रखी हुई हैं, रेड बॉल्स हैं 6, व्हाइट बॉल हैं 5 एंड 5 ब्लू बॉल्स, ब्लू बॉल्स भी हैं 5। इसमें से 9 बॉल सिलेक्ट करना है, 6 प्लस 5 11 प्लस 5 16, इन 16 बॉल्स में से हमें 9 बॉल सिलेक्ट करना है। बट किस तरीके से, इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा ना उसमें, उस सिलेक्शन में हर एक टाइप की 3-3 बॉल्स होनी चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन देनी जरूरी थी ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमें हर एक ग्रुप में से कितनी बॉल सिलेक्ट करनी है। तो अगर हर एक कलर की एक थ्री बॉल्स होनी ही चाहिए, इट मीन्स 3-3-3 दैट 9 बॉल्स हो जाएंगी। सो आपको क्लियर है पहली बात तो ये क्वेश्चन कि उसने डायरेक्ट ही देकर रखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, तो उसने सिलेक्शन बोल रखा है पहले से ही, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर अगर 6 बॉल्स हैं तो इन 6 बॉल्स में से हर एक टाइप की, इन इन तीनों टाइप की 3-3 बॉल्स होना चाहिए सिलेक्शन में। तो मतलब यहां से भी 3 बॉल्स आनी चाहिए, यहां से भी 3 बॉल्स आनी चाहिए और इस कलर की भी 3 बॉल्स आनी चाहिए। तो 6 में से मैं कितनी बॉल सिलेक्ट करूंगा, रेड 3 बॉल। ये जो 5 व्हाइट बॉल हैं इनमें से मैं व्हाइट बॉल कितनी सिलेक्ट करूंगा, 3 बॉल सिलेक्ट करूंगा। और ये जो 5 ब्लू बॉल हैं इनमें से मैं कितनी बॉल सिलेक्ट करूंगा, 3 बॉल सिलेक्ट करूंगा। और क्योंकि यहां पर उसने क्वेश्चन में देकर रखा है सिलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल 5 व्हाइट बॉल एंड 5 ब्लू बॉल, सो डायरेक्टली मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि कहीं भी और वर्ड यूज नहीं किया है, एंड वर्ड यूज किया है। और एंड वर्ड यूज करने से हम समझ जाएंगे कि हमें इन तीनों के बीच क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3।
जो आप इसे एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3 इंटू सेकेंड वैल्यू है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू थर्ड वैल्यू इज फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3. व्हेन यू विल सॉल्व इट फर्दर व्हाट यू विल गेट फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2. सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 इंटू टू इंटू वन इंटू फैक्टोरियल 3. इस 3 को फैक्टोरियल से बाहर निकाल दिया है क्योंकि एक फैक्टोरियल 3 से एक फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, बट वो जो डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल 3 है उसको तो हमें ओपन करना होगा. और यहां पर 5 इंटू फोर इंटू फैक्टोरियल 3 और ये फैक्टोरियल 3 से इस फैक्टोरियल 3 को कैंसिल कर देंगे, इसलिए ये जो फैक्टोरियल 2 है इसको हम ओपन कर लेते हैं. इन द सेम वे वी विल डू इन दिस ऑल्सो. सो दैट फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट. हियर 3 टू जा 6 एंड 2 वन जा 2. हियर 2 टू जा 4 हियर 2 टू जा 4 देन इट वुड बी 5 4 जा 20 इंटू 5 टू जा 10 इंटू 5 टू जा 10. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई देन यू विल गेट 2000 मीन्स नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 2000. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फाइव कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन. समझना, नंबर ऑफ फाइव कार्ड कॉम्बिनेशंस मतलब आपको फाइव कार्ड सिलेक्ट करना है किसमें से, आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स. अब आपके पास, आप समझना, टोटल ये 52 कार्ड्स हैं. इस 52 कार्ड्स में से आपको फाइव कार्ड, ठीक है, फाइव कार्ड जो है वो आपको सिलेक्ट करना है. 52 कार्ड्स में से आपको फाइव कार्ड सिलेक्ट करना है. इफ देयर इज एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन, ये जो आप ऐसे फाइव फाइव कार्ड के अलग 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 कॉम्बिनेशन बनाओगे ना, उसमें से एस जो होगा वो एक ही होगा. एग्जैक्टली का मतलब है कि एक ही होगा एस, क्योंकि उसमें 52 कार्ड जो हैं उसमें फोर एस हैं. कितने? फोर एस हैं. अब ये जो 52 कार्ड्स में फोर एस हैं और इन फोर एस को अगर एक तरफ निकाल दिया जाए तो बचे हुए 52 कार्ड्स हैं. कितने कार्ड हैं? 48 कार्ड्स हैं. सॉरी, 52 में से फोर एस को अगर बाहर कर दिया तो 48 कार्ड्स हैं. तो ये 48 अदर कार्ड्स और फोर एस का कॉम्बिनेशन ही है कि टोटल 52 कार्ड्स बनेंगे पूरे एक डेक ऑफ कार्ड्स में. लेकिन ये जो फोर एस हैं इन फोर में से एक कॉम्बिनेशन में एक एस ही जाएगा. यहां पर लिखा हुआ है एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन, मतलब अब आप एक एस आपने भेज दिया है तो अब आप दूसरा एस यहां पर इस कॉम्बिनेशन में नहीं भेज सकते. मतलब ये जो बाकी के फोर कार्ड्स होंगे सिलेक्ट वो तो इन 48 में से होंगे, ठीक है.
ये वन एस जो है वो इन फोर में से सिलेक्ट हो जाएगा, और बाकी के जो बचे हुए फोर कार्ड्स हैं वो इन बचे हुए 48 में से सिलेक्ट होंगे, क्योंकि हम एक से ज्यादा एस नहीं ले सकते, इसलिए अब यहां से जब फोर में से हमने एक एस ले लिया है तो अब हम बाकी के उन बचे हुए तीनों कार्ड्स पर ध्यान नहीं देंगे, अब वो तीनों कार्ड्स अपनी जगह ही रहेंगे। ये जो बाकी के जो चारों कार्ड्स हैं ये इन बचे हुए 48 कार्ड्स में से ही सिलेक्ट होंगे। तो जब सिलेक्शन की बारी आएगी तो ये जो फाइव कार्ड का कॉम्बिनेशन है इसमें से इन फोर में से एक कार्ड सिलेक्ट होगा, ये जो फोर एस हैं उसमें से एक एस सिलेक्ट होगा, और ये जो 48 हैं इनमें से बचे हुए फोर सिलेक्ट हो जाएंगे। और क्योंकि हमें ये एस भी सिलेक्ट करना है और ये बचे हुए फोर कार्ड भी सिलेक्ट करने हैं, दोनों हैं, इसलिए दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। सो हम यहां पर लिखेंगे फाइनली, अगर ये हमें समझ में आता है तो अब बस डायरेक्ट हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो हम लिखेंगे नंबर ऑफ फाइव कार्ड कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू 4C1 इंटू 48C4। वी नो दैट एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी है, अदरवाइज आपने कैसे उसको सॉल्व किया ये पता नहीं चलेगा। सो बोथ द वैल्यूज यू कैन गेट बाय फैक्टोरियल फोर अपॉन फैक्टोरियल वन इंटू फैक्टोरियल फोर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल 48 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 48 माइनस 4। सो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 48 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 44। इट वुड बी 4 कम्स आउट फ्रॉम फैक्टोरियल, सो हियर फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 1 इज 1 एंड फैक्टोरियल 3 विल बी हियर। फ्रॉम हियर 48 इज आउट ऑफ फैक्टोरियल, 47 इज आउट ऑफ फैक्टोरियल, 46, 45 एंड देन 44। वाई? सो वी कैन कैंसल आउट फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 44 बाय फैक्टोरियल 44, सो दैट फैक्टोरियल 4 विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड देन फैक्टोरियल 44। सो फैक्टोरियल 44 फैक्टोरियल 44 कैंसल आउट, फैक्टोरियल 3 कैंसल आउट, सो इट वुड बी 4 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट 4 4 कैंसल आउट एंड इट वुड बी 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 2 8 जा 16, सो इट वुड बी 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। When you will multiply all these values, then you will get 778320. So these are the number of five card combinations. Next question, students, in how many ways can one select a cricket team of 11 players? एक cricket team select करनी है 11 players की. From 17 players में से, in which only 5 players can ball. अब ये जो 17 players है ना, इन 17 players में से केवल 5 players ही है वो bowling कर सकते हैं. If each cricket team of 11 players must include exactly 4 bowlers, तो ये जो 4 bowlers, 17 है total, और total 17 में से 5 is जो प्लेयर्स हैं
वो बॉल कर सकते हैं, और हमें जो टीम सिलेक्ट करनी है उसमें एग्जैक्टली 4 बॉलर्स होने चाहिए, मतलब वो जो 5 बॉलर्स हैं उसमें से 4 बॉलर्स उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे, और बचे हुए जो हैं वो हम रिमेनिंग जो प्लेयर्स हैं उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए टोटल हैं, सेवनटीन प्लेयर्स। अब इन 17 प्लेयर्स में से देखिए यहां पर क्या लिखा है, ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। ये 17 में से 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो बॉल बॉलिंग कर सकते हैं, सो हम यहां पे लिखेंगे फाइव बॉलर्स हैं, और अगर 17 में से 5 बॉलर्स हैं तो फिर बचे हुए 12 क्या हुए, 8 बैट्समैन हुए। ये हमारी टीम है, तो ये जो 5 बॉलर्स हैं इन 5 बॉलर्स में से मुझे 4 बॉलर्स सिलेक्ट करना है। अब मैं अगर आप मान लीजिए कि ये 5 बॉलर्स हैं ए बी सी डी एंड ई, ये 5 बॉलर्स हैं और इन 5 बॉलर्स में से मुझे 4 बॉलर सिलेक्ट करना है, तो मैं अगर यहां पर ए सी डी और ई मान लीजिए ये 4 बॉलर सिलेक्ट करता हूं, तो मैं पहले ए को सिलेक्ट करूं, फिर सी को सिलेक्ट करूं, फिर डी को सिलेक्ट करूं और फिर ई को सिलेक्ट करूं, या फिर मैं पहले डी को सिलेक्ट कर लूं, फिर मैं ई को सिलेक्ट करूं, फिर मैं ए को सिलेक्ट करूं और फिर मैं सी को सिलेक्ट कर लूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर में कुछ भी चेंज कर दूं लेकिन ये जो 4 बॉलर्स हैं ये ही टीम में जाएंगे। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि क्योंकि यहां पर आप ऑर्डर चेंज कर भी रहे हो सिलेक्शन का, मतलब जो आप यहां से बॉलर्स ले रहे हो उसका आप ऑर्डर चेंज भी कर रहे हो, तब भी उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसलिए ये क्वेश्चन 100% सिलेक्शन का ही है। तो अब देखिए कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये जो 5 बॉलर्स हैं इन 5 बॉलर्स में से, क्योंकि ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है इसलिए सी लेंगे, और इसमें से मुझे एग्जैक्टली 4 बॉलर्स लेना है टीम में, और ये जो 12 बैट्समैन हैं, अब क्योंकि 11 प्लेयर्स की टीम है और 11 प्लेयर्स में से 4 तो बॉलर्स सिलेक्ट कर ही लिए पहले, सो 11 में से 4 पहले ही हम बॉलर सिलेक्ट कर चुके हैं, इसलिए अब हमें 7 बैट्समैन चाहिए, और ये जो 7 बैट्समैन हैं ये 7 बैट्समैन आएंगे इन 12 बैट्समैन में से, तो हम यहां पर 12C7 यूज कर लेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज इक्वल टू 5C4 इंटू 12C7। वेन यू विल सिंप्लीफाई इट, सो वी हैव अ फॉर्मूला, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था NCR इज इक्वल टू NCN-R। हम इस फॉर्मूले से इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, NCR को हम लिख सकते हैं NCN-R, मींस 5-4 लिख सकते हैं, सो 5C5-4 इंटू 12C12-7, सो इट वुड बी 5C1 इंटू 12C5। ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया हमने इसको, अब सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसे और सॉल्व कर लेंगे, सो NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r वाले फॉर्मूले से हम यहां पर फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू 5-1 इंटू फैक्टोरियल 12
अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू 12 माइनस 5 यूज कर लेंगे। सो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 तो 1 ही हो जाएगा और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4, फिर फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 7। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 5 को जब आप बाहर निकालोगे तो अंदर फैक्टोरियल 4 बचेगा और यहां पर भी फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। यहां 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 हो जाएगा ये। अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू में फैक्टोरियल 7 एज इट इज, क्यों? ताकि हम फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल कर सकें और फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल कर सकें। अब यहां पर आ जाएगा 5 इंटू, अब यहां पर और देख लीजिए कुछ सिंप्लीफाई हो रहा हो तो, ये देखिए 5 टू जा 10 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर ये 4 3 जा 12 और 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो यहां पर 11 इंटू 9 इंटू 8 और डिनोमिनेटर में 1, सो 11 इंटू 9 इंटू 8 ये हो जाएगा 3960। सो आवर आंसर इज मीन्स 3960 वेज, इतने तरीके से हम 11 प्लेयर्स की टीम सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस इफ 9 कोर्सेस आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेस आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। टोटल 9 कोर्सेस हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस। अब 5 कोर्सेस कितने तरीके से चूज कर सकता है, मतलब हमें 9 में से 5 कोर्स सिलेक्ट करना है। एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेस आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, मतलब ये जो 9 कोर्सेस है ना, इन 9 कोर्सेस में से 2 तो कंपल्सरी हैं, इन 9 में से 2 कंपल्सरी है और जो 5 हैं, सॉरी 2 अगर कंपल्सरी हैं तो बचे कितने, 7। सो 7 हैं वो ऑप्शनल हैं, ऑप्शनल इन द सेंस ऑप्शनल नहीं बोल सकते उसको, हम उसे कहेंगे सिलेक्टिव। ओके, सो 2 कंपलसरी हैं और 7 कोर्सेज जो हैं वो सिलेक्टिव हैं कि हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये 2 और 7 का कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर हमें अब 5 कोर्सेज सिलेक्ट करना है, तो 5 कोर्सेज सिलेक्ट करना है, तो क्योंकि ये 2 तो कंपलसरी है तो जो 5 कोर्सेज हमें सिलेक्ट करना है उसमें से ये 2 तो हमें लेना ही लेना है, मतलब हमें सिर्फ सिलेक्शन के लिए सिर्फ 3 कोर्सेज ही हैं, क्योंकि 2 तो हमारी मर्जी नहीं है ना, ये तो कंपलसरी है, आप इसे अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए जो टोटल 5 कोर्सेज सिलेक्ट करना है उसमें से 2 तो हमें ऑलरेडी बता दिए हैं कि ये तो आपको लेना ही है, अब बचे हुए जो 3 हैं वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हम किस में से सिलेक्ट कर सकते हैं, इन 7 में से। तो इसलिए अब इसमें से तो कुछ सिलेक्शन की बात ही नहीं आती है, क्योंकि ये जो 2 हैं ये तो ऑलरेडी हमें दे दिए हैं, हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तो हमें तो सिर्फ सिलेक्शन करना है 7 कोर्सेस में से 3 कोर्सेस का। सो 7C3 विल बी द नंबर ऑफ वेज, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 courses are compulsory, therefore we can select only 3 courses.
आउट ऑफ सेवन, देयरफोर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज इक्वल टू 7C3 एंड NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r. सेवन सी थ्री इज इक्वल टू फैक्टोरियल सेवन अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल सेवन माइनस थ्री, सो इट वुड बी फैक्टोरियल सेवन अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल फोर. सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर अपॉन थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू फैक्टोरियल फोर. इस फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, इसको ओपन नहीं किया है क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्टोरियल फोर से फैक्टोरियल फोर कैंसिल हो जाएगा. थ्री टू जा सिक्स एंड टू वन जा टू, सो डिनोमिनेटर में वन है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है. सेवन इंटू फाइव, सो देयर विल बी 35 वेज. नाउ दिस इज द आंसर.